हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनली आईएएस। डेट है आज की 2 अप्रैल 2020 और 14वां दिन है हमारा 50-डे रिग्रेस प्लान का। लगातार हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स और उनके टॉपिक्स पर चर्चा कर लिए हैं। मोर और लेस अगर आपको एक अंदाज़ा लग पा रहा हो कि हम लोगों ने मोर देन 25% ऑफ द सिलेबस को अभी ही कवर कर लिया है, तो डू नॉट वरी फॉर इट। इसी स्पीड से धीरे धीरे भी हम चलते रहेंगे तो डेफिनेटली जो भी हमारा मेन एम है हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। 14th डे का जो शेड्यूल है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके अंदर क्लाइमेटोलॉजी, जिसका एक पोर्शन हमने ऑलरेडी डे 2 में कवर किया था, उसके बचे हुए पोर्शंस को हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ ओशनोग्राफी और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो भी वर्ड के हैं उनके ऊपर अभी तक आए हुए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देखेंगे। शुरू करते हैं 2015 के क्वेश्चन से, जिसमें इक्वेटोरियल काउंटर करंट की बात की जा रही है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या होता है, हमने ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि भाई इक्वेटर एक्चुअल में क्या होता है कि 0 से 30 डिग्री तक में हमने पढ़ाया था कि भाई ये टॉरिड जोन है और इसमें ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बहती हैं, मतलब कि जो भी इनकी रेखाएँ होंगी वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगी, नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, और इधर भी ये अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होते हुए लगभग लगभग ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में ही फ्लो करने वाली ये बीच की रेखा बनती है। ठीक है, अब इस रीजन को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, इंडियन ओशन को हम थोड़ा सा नहीं देख पाते हैं क्योंकि यहाँ का माजरा बिल्कुल अलग है। इंडिया अपने आप में बिल्कुल अनूठा देश है और इसीलिए इंडियन ओशन भी यहाँ पर थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। लेकिन फॉर द टाइम बींग अगर हम लोग इतने पोर्शंस को अगर हम लोग देखें, ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं अभी, इसमें क्या होता है कि इस ईस्टर्ली विंड के चलते यहाँ पर धक्का लगता है, जितना भी पानी है वो उठ के इधर चला जाता है, यहाँ पर नदर नेमिस्फियर में भी, सदर नेमिस्फियर में भी, और जाके इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, जहाँ पर इसके आगे जमीन मिल जाती है इसको और ये पानी और आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब कि यहाँ पर भी कुछ पानी इकट्ठा हो जाते होंगे जो कि इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो कुछ पानी तो नॉर्थ साइड में डिफ्लेक्ट होते हैं, पानी ऊपर की तरफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जैसे यहाँ पर बन रहा है, और नीचे कुछ ब्राजीलियन करंट के यहाँ पे फॉर्म में बनते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्रोशियो करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के फॉर्म में निकलता है। लेकिन देर आर सर्टेन ओशन करंट्स जो कि यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इनका जो लेवल है ना, अगर सी लेवल की अगर हम बात करें तो ये भी रेज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर पानी जब इकट्ठा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसके कंपेरिजन में यहाँ पर लेवल कम होगा, मतलब हाइट या फिर सी लेवल जो है वो कम होगा और यहाँ पर सी लेवल ज़्यादा होगा। इसको फुलफिल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए यही वाले जो बीच के पानी बसते हैं वो वापस लौट जाते हैं अपने घर को, यहाँ से भी अपने वापस लौट जाएंगे घर को, और जो ओशन करंट्स अपने घर को वापस लौट रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, अब इसी बेसिस पर एक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम बताओ कि जो हमारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट का ईस्टवर्ड फ्लो होता है उससे क्या समझ में आता है, क्यों ऐसा होता है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक्सिस पर अर्थ रोटेट करता है, इसके वजह से इक्वेटोरियल करंट काउंटर करंट जनरेट होता है। अर्थ का रोटेशन क्या है, हमारा है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है ऐसा कुछ। अगर हम लोग ऊपर आंख लगा के देखेंगे तो ये हमें किस डायरेक्शन में दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, ये आंख है, ए नहीं लिखा है मैंने, बहुत ही प्यारा आंख बना है मैंने, अरे आगे नहीं, इधर वाला आंख है। ठीक, तो ऊपर से अगर नदर नेमिस्फीयर में देखते हैं तो हमें कौन से डायरेक्शन में दिखता है, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करते हुए दिखता है। तो ये यूजुअली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। जब ये इधर जा रहा होगा तो जैसे कि इनर्शिया या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं, सब कुछ किधर भागेगा, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब गाड़ी के अंदर हम लोग बैठे होते हैं, कार के अंदर बैठे होते हैं, तो जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है तो हमारा जो बॉडी है, सिर है, वो पीछे की तरफ जाता है, मतलब कि अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है तो हमारा बॉडी इधर जाएगा। मतलब क्या है, ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट शो कर रहा है क्या, नहीं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी, इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है वैसे भी जो भी अभी हमने पढ़ा है। दूसरा स्टेटमेंट कि दो इक्वेटोरियल करंट्स का कन्वर्जेंस होता है, देखो ये बात सही चल रही है कि हमने देखा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सदर हेमिस्फीयर में, दोनों में चूंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली इस डायरेक्शन में इसको पुश करती हैं तो दो इक्वेटोरियल करंट एक जगह पर मिल जाते हैं और जहां पर मिलते हैं यहीं से वापस अपने घर को लौटते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। लेकिन देखते हैं और भी कोई बढ़िया स्टेटमेंट तो नहीं दिया है। सैलिनिटी ऑफ द वाटर, इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद सैलिनिटी, क्योंकि सैलिनिटी चूंकि डिफरेंस हो सकते हैं कि कोल्ड वार्म इन सबसे टेम्परेचर से, लेकिन यहां पर
ऐसा कुछ भी रीजन है नहीं, या फिर ये भी अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इक्वेटर पर बहुत कामनेस है, ओशन में कोई मोशन नहीं है, तो इसीलिए ये भी वेग है, ये भी फर्जी का है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और काफी आसान क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है। जो मैं आपको ये बता रहा था कि इसके वेस्टर्न साइड में हाइट जो है वो, या फिर सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, वो लगभग लगभग 6 इंच की हाइट से बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, इसको आप पढ़ लेना एक बार जरूर से, कुछ और भी करंट से इनको फटाफट से पॉज करके रिवाइज कर लेना अगर नहीं पता है। बताओ फटाफट से, अगुलास करंट कहाँ है, दिख गया, वेरी गुड, और पेरू करंट, वेरी गुड, सब देखते चलो, ये रहा अगुलास, ये रहा पेरू। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 2015 में एक और क्वेश्चन आया कि टाइड्स जो होते हैं वो किन कारणों से होते हैं। देखो मोटा मोटा अगर देखा जाए ना, तो टाइड्स के तीन कारण हैं, और वो तीनों ही कारण यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। कैसे समझ सकते हैं इन सब चीजों को, इस डायग्राम को देखते हैं। देखो क्या है कि सन, हमें पता है कि कोई भी मास, काफी बड़ा मास का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जैसे हमारे और आपके पास है क्या, बिल्कुल है, हमारे लैपटॉप में है, बिल्कुल है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स सबके पास है, अपने मास के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन चूंकि इतना कम है इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का, चूंकि ये बड़े बॉडीज हैं तो इनका पुल लगता ही लगता है, साथ ही साथ अर्थ जो है इनके वजह से, जो इनका पुल इधर लगा है उसके जस्ट ऑपोजिटली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है अपने बाहर के डायरेक्शन में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ का प्लस मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल, ये तीन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी टाइड के लिए। अब आप फटाफट से मुझे बता दो ये कौन सा कंडीशन है टाइड का, वेरी गुड, ये कंडीशन है हमारा स्प्रिंग टाइड का, और इसी तरीके से ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है नीप टाइड का, वेरी गुड, बढ़िया। इसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहां पर दी हुई थी, और फिलहाल हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2013 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स जो होते हैं वो किन रीजंस पे पाए जाते हैं। बहुत बार हमने डिस्कस भी कर लिया है कि जो भी, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात ये है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दीबाजी में क्वेश्चन अटेंड करते हैं, वो पहला स्टेटमेंट लगा के भागाएंगे कि वार्म एंड कोल्ड करंट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही वाला है जहां पर मीट करते हैं, मैंने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक करंट बोला गया है, ओशनिक करंट्स नहीं है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स जहां पर मिलते हैं वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स बहुत ही बढ़िया होता है। तो ए ऑप्शन नहीं सही है, बल्कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज थी, इसके बारे में क्या ही एक्सप्लेन करना, फिर भी फिशिंग के लिए और कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बारे में एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो जहां पर खाना मिलता है इंसान भी दौड़ के भागते हैं वहां पर, और ऐसे जितने भी जीव जंतु हैं सब वहीं पर भागते हैं, इसीलिए जहां पर प्लैंकटन्स का एबंडेंस होगा, जहां पर इनका खाना मिलना लगेगा, वहीं पर ये मछलियां भाग जाएंगी। तो ये शैलो कोस्टल वाटर्स हो सकते हैं जहां पर फिशिंग के लिए वो काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कोस्टल अपवेलिंग्स, कल भी हमने एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश की थी अपवेलिंग से रिलेटेड, जिसके बेसिस पर हमने बताया था कि भाई कुछ सर्टेन करेंट्स होते हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं, और प्लस करेंट्स मतलब कि जैसे पेरू वाला करंट, तो इसकी वजह से जहां पर भी अपवेलिंग होती है वहां पर भी प्लैंकटन्स के आने से, या फिर जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके आने से, खूब सारी मछलियां, प्लैंकटन्स, खूब सारी चीजें, बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां सब आ जाती हैं। तो डेफिनेटली वो भी एक फिशिंग ग्राउंड का एक अच्छा रीजन बनाएगा। और तीसरा हमें पता ही है कि ये अपवेलिंग कंडीशन के साथ साथ जहां पर भी वार्म और कोल्ड वाटर करंट मिलते हैं, ओशनिक करंट्स मिलते हैं, वहां पर भी एक फेवरेबल कंडीशन बनता है। इसके अलावा देखो जहां पर भी कोस्ट लाइन ब्रेक हो जाए, या तो जहां पर कुछ ऐसे कॉमर्शियलाइज्ड पर्पस के वुड्स जिनसे कि हम लोग बोट बना सकें, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का होना, तो इन सब, ये सब भी मतलब आखिरकार रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं कि यहां पर फिशिंग ग्राउंड अच्छे से डेवलप हो सकता है। मछलियां बहुत सारी हैं, बट उनको पकड़ने का कोई साधन नहीं है, तो हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि वो बड़ा फिशिंग ग्राउंड बन सकता है। इनके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लाइमेटिक कंडीशंस का याद रखना, टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस में मछलियां ज्यादातर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि जापान वगैरह का रीजन है, आप देखते हो जापान में टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन है। टेम्परेट क्लाइमेट का एक बड़ा ही बढ़िया जो एक फंक्शन, या फिर एक हम बोल सकते हैं ट्रेंड देखने को मिलता है, कि टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक ही स्पीशीज की फिशेस जो होती है ना, वो झुंड के झुंड आगे बढ़ती हैं। तो इसीलिए आपने एक बार डीप नेट क्रॉलर या फिर कुछ भी फिशिंग मतलब फिश को पकड़ने का जो भी स्ट्रेटजीज आप लेके जा रहे हो, टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हो, उसमें अगर आपने पकड़ा ना, तो सिंगल स्पीशीज की कम से कम
हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशेज आपको एक ही बार में मिल जाएंगी। इससे क्या होता है कि कॉमर्शियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो फिशिंग ग्राउंड्स में टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये भी एक फायदा मिल जाता है फिशिंग का। कुछ फिशिंग ग्राउंड्स हैं, हालांकि ये जो लैंग्वेज है मुझे नहीं लगता कि ये इंग्लिश है, क्योंकि पैसिफिको सेंट्रो एस्टे कुछ इस तरीके से खतरनाक लिखा हुआ है, तो मे बी स्पैनिश लैंग्वेज हो सकता है ये। लेकिन हाँ, कुछ मेजर फिशिंग ग्राउंड्स जहाँ पर ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको आप इनको समझ सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं, वहाँ पर भी जैसे कि ओयशियो और कुरोशियो करेंट यहाँ पर मिलता है, तो जापान में एक फेमस फिशिंग ग्राउंड बनाता है। इसके अलावा भी देर आर डिफरेंट फैक्टर्स। 2012 का एक क्वेश्चन देखें, ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि एक स्टेटमेंट इसमें ऐसा दिया था जो कि बहुत ही इनडायरेक्टली रिलेटेड था, और बहुत लोग को अपने बेसिक क्लियर करते टाइम पर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो बड़े ही बढ़िया तरीके से अपने बेसिक्स को भी आप क्लियर करते चलो, कि इसमें पूछा है कि एसिडिफिकेशन जब भी ओशंस में हम देखते हैं तो उसका मेजर कंसर्न जो हमारे पास होता है उसका क्या कारण है, क्यों हम चिंतित हैं कि भाई ओशंस जो है वो एसिडिफिकेशन देख रहे हैं ओशंस के अंदर में। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द ओशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। यहां पर हमको अब कुछ कुछ बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हमें पता है कि ये कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी होते हैं वो उनके ग्रोथ को एसिडिफाइड ओशंस बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। देखो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं ना, एक प्रकार के समझ लो यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के, जैसे जिनके ऊपर मछलियों का पूरा जो उनका झुंड है वो डिपेंडेंट है खाने पीने के लिए। तो फाइटोप्लैंक्टन किसी भी ओशनिक जोन में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इन एसिडिफिकेशन के कारण क्या होता है कि ये जो कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन, मतलब कि जो भी ये कैल्शियम का ये शेल बनाते हैं या फिर जो भी है फाइटोप्लैंक्टन के लिए, वो एसिडिफिकेशन के चलते नहीं हो पाता है। इसीलिए जब ये एडवर्सली अफेक्टेड होंगे तो ओशन के अंदर और भी जो जीव जंतु हैं वो भी एडवर्सली अफेक्टेड होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कि कोरल रीफ जो होते हैं, अब देखो फाइटोप्लैंक्टन कोरल रीफ इन सबका रिलेशन आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, सेम स्टेटमेंट है बस यहाँ पर कोरल रीफ कर दिया गया, तो डेफिनेटली ये भी स्टेटमेंट सही होगा। सेम स्टेटमेंट है बस यहाँ पर सम एनिमल्स हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वा। अब ये देखो कि जो भी इनके ऊपर खाते होंगे उनके सर्वाइवल पर भी अफेक्ट देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली ये तीन स्टेटमेंट अपने आप में आप देखोगे ना, अगर ये इंफॉर्मेशन पता है तो ये तीनों स्टेटमेंट तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि यहाँ तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं और सही हैं। चौथा स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, जिसके बेसिस पर मैंने इस क्वेश्चन को अच्छा बताया है। इसमें बोला है कि क्लाउड सीडिंग और क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी एडवर्सली अफेक्टेड होगा। ये बड़े दूर की सोच के इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग है, 1, 2, 3 भी है और 1, 2, 3, 4 भी है। इसके चलते दो ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर लिए, लेकिन इन दो ऑप्शंस में हमें किस पर टिक करना है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है हम सबके लिए। यहां पर देखो एक फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए इस तरीके से कि देखो एसिडिफिकेशन जब भी होता है तो उसकी वजह से क्या होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम यूं बोले कि ओशन से बहुत सारे सल्फर के कंटेंट्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। हमको न्यूक्लियाई पता है, न्यूक्लियाई जिसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि क्लाउड्स वगैरह सेटल होते हैं और फिर बारिश होती है, ठीक है। तो वैसा ही समझ लो सल्फर के कारण कुछ ऐसा होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा क्लाउड फॉर्मेशन सीडिंग्स में काम आती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जब भी एसिडिफिकेशन होता है ना, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो बेसिकली डाई मिथाइल सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो डीएमएस डाई मिथाइल सल्फाइड डीएमएस ये जो डीएमएस है ना, ये हमारे क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन चूंकि हमने देखा कि एसिडिफिकेशन से फाइटोप्लैंक्टन्स प्रभावित हैं और इनडायरेक्टली डीएमएस का प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा, तो इसीलिए जो भी सल्फर हमारे क्लाउड सीडिंग में काम आने वाला था वो नहीं आ पाएगा, मतलब कि क्लाउड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, हालांकि डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि एलिमिनेट यहाँ पर करना मुश्किल था इस चीज को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ और थोड़े से एडवांस लेवल के इन्फॉर्मेशन के साथ भी हम चलेंगे तो हम डेफिनेटली इसको कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब इसी के साथ जब सीडिंग वगैरह की बात आई है तो हम जरा एक बार देखने कोशिश करते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग आखिरकार होता क्या है। देखो क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन देने के लिए क्लाउड सीडिंग वगैरह यूज करते हैं, बेसिकली सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग यूज कर सकते हैं, तो AGI या AGBR या फिर इसके अलावा और भी। अब आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसे और क्लाउड सीडिंग कौन कौन से ऐसे
हमारे पास मटेरियल्स पड़े हुए हैं जो कि क्लाउड सीडिंग में यूज कर सकते हैं हम, इनके अलावा सिल्वर आयोडाइड के अलावा। तो सिल्वर आयोडाइड क्या करता है ना, ये बेसिकली हमारे पास कुछ कंडेंसेट या फिर हम लोग कंडेंस्ड न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको, ये प्रोवाइड करता है। ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं ना, इसी के इन्हीं न्यूक्लियाई के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बैठने लगते हैं। धीरे धीरे जब वाटर ड्रॉपलेट्स खूब सारे बैठने लगते हैं तो इनका वजन बढ़ जाता है और ये ग्रेविटी के पुल में नीचे खिसक जाते हैं। जैसे ही नीचे आएंगे तो बारिश और स्नो के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम इनको कंडेंसेट न्यूक्लियाई या फिर कंडेंस्ड न्यूक्लियाई प्रोवाइड कर देंगे, उतना ज्यादा वाटर का ड्रॉपलेट वहां पर बैठेगा और जैसे ही हैवी होगा वो बारिश कर देगा। इसीलिए बारिश में ये सब काम आते हैं, क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन कंडक्ट कराने में भी हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन भी 2012 से ही है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन से फैक्टर्स यहाँ पर ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि पहला अर्थ का रोटेशन। देखो हमने अभी पढ़ा है कि जब भी अर्थ का रोटेशन आए इनडायरेक्टली ये इशारा करता है कोरियोलिस फोर्स पर, और अभी हमने पढ़ा कि कोरियोलिस फोर्स का अपना एक हिसाब किताब है ओशन करेंट्स को डिफ्लेक्ट करने में, ठीक है। तो डेफिनेटली पहला स्टेटमेंट सही होगा, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। एयर प्रेशर और विंड, जिस हिसाब से हम मान लो एयर प्रेशर जो भी होता है, एयर प्रेशर और विंड प्रेशर जो भी है, डेफिनेटली जब ये अर्थ के ऊपर ओशनिक सरफेस पर टकराएंगे तो ये ओशन के वाटर को पुश करेंगे ही करेंगे, डेफिनेट सी बात है, इसमें कोई भी शक आने की संभावना है ही नहीं। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और एक और ऑप्शन हमारा गलत होता है। अब पूरी की पूरी बात टिकती है हमारे थर्ड स्टेटमेंट पे कि वाटर डेंसिटी से ओशन करंट का कुछ लेना देना है या नहीं। तो देखो यहां पर एक तो बात तय हो गई कि डेंसिटी ऑफ ओशन करंट जो भी है उससे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई डेंसिटी अगर है तो इसका ये मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी वेरी कर सकता है उस डेंसिटी के कारण, और टेम्परेचर वेरिएशन भी, मतलब डेंसिटी से हम लोग बहुत बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो सारी चीजें भी हमें कहीं ना कहीं ओशन करंट के मूवमेंट को ट्रेस करने में हेल्पफुल हैं। ये जो कोल्ड करंट, वार्म करंट और इनकी सैलिनिटी और इनकी डेंसिटी, ये सब तो रिस्पॉन्सिबल है ना, जितना ठंडा होगा उतना डेंस होगा, तो इन सब तरीके से भी तो हम कोल्ड करंट और वार्म करंट पढ़ते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर। और हम इस तरीके से भी दो ऑप्शंस को डायरेक्टली इलिमिनेट कर सकते थे अगर हमें पता होता कि अर्थ का रिवोल्यूशन दिया। देखो रोटेशन से तो कोरियोलिस फोर्स आता है, रिवोल्यूशन का कोई मकसद नहीं है हमारे पास कि जिससे हम लोग ओशन करंट्स को डायरेक्टली देख सकें कि हाँ ये फैक्टर है जो कि ओशन करंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हमारे दो ऑप्शंस डायरेक्टली कट जाते, और थर्ड स्टेटमेंट अगर हमें पता होता कि हाँ डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर डेफिनेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि अगर हम लोग ऊपर से पढ़ने की बजाय अगर नीचे से पढ़ते तो हम सडनली बी ऑप्शन तक तुरंत दो ही स्टेटमेंट्स में पहुंच जाते, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा दिमाग भी लगा लेना आड़ा तिरछा करके। इसके अलावा और भी क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, देखो इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब कि जो सोलर हीट आती है उससे भी टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस साथ साथ हीटिंग ऑफ बाई सोलर एनर्जी, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। इसके अलावा विंड हमने पढ़ा ही है, ग्रेविटी का अपना रोल होगा क्योंकि डेंसिटी का रोल जो है वो ग्रेविटी के साथ आता है। कोरियोलिस फोर्स मतलब कि रोटेशन ऑफ द अर्थ प्लस सैलिनिटी का डिफरेंस, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब ओशन करेंट्स के लिए दे आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करेंट्स। एक क्वेश्चन आता है हमारे क्लाइमेट सेक्टर से, इंडियन ओशन डायपोल का। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है एक्चुअल में इंडियन ओशन डायपोल का। 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि आखिरकार आप बताओ कि जो इंडियन ओशन डायपोल हमारे न्यूज में हमेशा रहते हैं, ये इनके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है। इंडियन ओशन डायपोल, अगर हम इस इन वर्ड्स को ब्रेक करें तो एक तो बात तय हो गई कि भाई बात हो रही है इंडियन ओशन में कुछ चीजों की। डायपोल का मतलब क्या है कि हमने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होता है कि मान लो जैसे मैग्नेट है, इनका एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो ये डायपोल्ड है, ऐसा ही तो बोलते हैं ना, जिनके दो पोल हैं वही डायपोल हैं। तो इसी तरीके से इंडियन ओशन डायपोल का मतलब यहां पर कुछ तो मानसून से रिलेटेड अगर बोल रहा है, तो इंडियन ओशन में जैसे हम लोग एल नीनो लानीनिया ये सब पढ़ते हैं, उसी तरीके से कुछ इंडियन ओशन की हरकतों के बारे में बता रहा होगा। पहला स्टेटमेंट तो इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इसने क्या बोल दिया कि इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना जो है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन के साथ साथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में भी फर्क दिखाता है, मतलब यहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंसेस के बारे में कुछ बात करते हैं। अब ये भी बोल दिया इन्होंने कि टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमें पता चल गया कि यहां पर जो डाइपोल है वो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा होगा, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि भाई पैसिफिक ओशियन का कोई मतलब नहीं है इंडियन ओशन डाइपोल से। पहला स्टेटमेंट काट दो, काटते ही
कुछ स्टेटमेंट्स हमारे कट गए, और नहीं नाइदर वाला नहीं कटा अभी, बोथ वन एंड टू और ओनली वन ये तो कट गए। अभी दूसरे स्टेटमेंट पर बात करते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल फेनोमिना जो है वो एल नीनियो के इम्पैक्ट को, जो कि मानसून का अपना एक इम्पैक्ट है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो तो ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है यार कि इंडियन ओशन डाइपोल, अगर इंडियन ओशन की बात करते हैं तो मानसून का आधा से ज्यादा हिस्सा तो हम लोग मानसून क्लाइमेटिक कंडीशंस में इंडियन ओशन में पढ़ते ही हैं। और जब इंडियन ओशन डाइपोल में हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ गया कि इंडियन ओशन में ये कुछ तो टेम्परेचर डिफरेंस करेगा ओशन का, तो डेफिनेट सी बात है वो मानसून पे इम्पैक्ट तो डालेगा ही डालेगा ना। ये अगर डिटेल में जाके पूछता कि भाई बताओ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट है, तब हम भले सोचते कि भाई ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन सिंपल सी इतने डेरिवेशन के साथ हम लोगों को अगर नहीं भी पता होगा तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। इम्पैक्ट तो किसी न किसी सेंस में करता ही होगा ना, अरे छोटा सा भी इम्पैक्ट करेगा तो भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बेसिस पर थोड़ा सा हम और भी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, एक बार मैं फटाफट से बताने की कोशिश करता हूँ। इंडियन ओशन की बात हो रही होगी यहाँ पर। नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है या फिर ट्रेड विंड ईस्टर्लीज हैं, वो पानी को किस डायरेक्शन में पुश करते हैं, इस डायरेक्शन में। अब चूंकि यहाँ पर इंडोनेशिया और ये सारी कंट्रीज हैं, इनसे भी कुछ पानी बच बचा के थोड़े बहुत इधर आ ही जाएंगे, मतलब कि जो भी वार्म वाटर होगा उनका संग्रहित करना या फिर उनका इकट्ठा होना हमारे इंडियन ओशन में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो मतलब इंडियन ओशन में नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ का टेम्परेचर वार्म ही रहता है, लेकिन किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो जाए, डाइपोल क्रिएट हो इस तरीके से कि यहाँ वाला तो वार्म रहे ये वाला जोन, लेकिन यहाँ वाला जोन जो है वो ठंडा हो जाए, ठीक, ऐसा हो सकता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट वे में भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो जब ऐसा कुछ बने कि यहाँ पर, सॉरी ये पेन नहीं चलाना था मुझे, ये वाला पेन चलाना था, यहाँ पर गर्म हो रहा है तो हीट होते होते अगर ये वाला पोजिशन बन जाता है तो आप समझो कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा कि नहीं। जब भी लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है तो इससे चीजें ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि लो प्रेशर है, हवाएं एक्सपैंड करेंगी ऊपर की ओर जाएंगी, क्या बनेगा, बादल। यहां पर बारिश होगी, यहां पर खूब बारिश होगी, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, ठीक, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। अब यहां पर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो बताओ मानसून का क्या फर्क पड़ेगा, बारिश कहीं तो उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल हमारे मानसून को भी बढ़िया साबित करेगा। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाए, जस्ट ऑपोजिट इन द सेंस कि यहां पर कोल्ड वाला डेवलप हो जाए और फिर यहां पर वार्म वाला चीज डेवलप हो जाए, तो बारिश अब कहां पर आएगी, यहां पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, बारिश होगी, मतलब ये बारिश ऑस्ट्रेलिया तक भी अफेक्टेड होती है, इसीलिए ये भी यहां पर बारिश कराएगा और यहां पर ड्रॉट पड़ जाएगा। ये मानसून के लिए खतरनाक है, हमारे लिए भी खतरनाक है, बारिश वारिश नहीं हो रही है यहां पर, क्यों, क्योंकि हवाएं ऊपर उठी, यहां पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप था, एक साइकिल बनता है ऐसे, यहां पर चीजें नीचे की तरफ गिरने लगेंगी, नीचे की तरफ गिरेंगी तो कुछ फायदा नहीं हो पाएगा, बादल बदल नहीं आ रहे, तो इसीलिए नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है वो अच्छे तरीके से अफेक्ट नहीं करती है मानसून को। ये पूरा रीजन था इंडियन ओशन डायपोल का, इतना समझ लेना आप। इसके अलावा 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने काफी चीजें पहले हमसे हमें बताई, उसके बारे में पूछा कि बताओ आखिर अंदाजा लगाओ कि हम लोग किस क्लाइमेटिक रीजन की बात कर रहे होंगे। इसमें उन्होंने हिंट देते हुए ये बोला कि ईच डे इज मोर और लेस सेम, हर दिन लगभग लगभग बराबर होता है, बस पहला ही, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले हम इतने कोई पढ़ के आगे की क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट से। सवाना, सवाना ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, थोड़ा सा हमने देखा है अपने मानसून से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही सवाना भी है, तो इसीलिए मानसून और सवाना इन दोनों चीजों को अगर आप पकड़ के चलोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर दिन एक जैसा हो, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्टिंक्ट समर और विंटर सीजन्स आते हैं, जहां पर एक तरफ प्रचंड ठंडी और एक तरफ प्रचंड गर्मी पड़ती है, तुरंत के तुरंत ए और सी को काट डालो। इसके बाद दूसरा जो है इक्वेटोरियल और मेडिटेरेनियन, यहां पर एक डिफरेंस हमें ये पता है कि मेडिटेरेनियन का एक पिक्यूलियर फीचर है, हमें ये पता है कि भाई मेडिटेरेनियन को हम लोग कैसे डिस्टिंक्ट करते हैं कि यहां पर ठंड में बारिश होती है और गर्मी सूखे सूखे में बीतती है। इसके वजह से क्या हर दिन एक बराबर हो पाएगा, नहीं। और इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमने डेफिनेटली ये पढ़ा हुआ है कि रोज बारिश होती है शाम में, दिन में खूब गर्मी होती है, शाम में खूब बारिश होती है, और लगभग लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर है, कभी चेंज वेंज होता नहीं है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी,
केवल वी स्टेटमेंट इसी से क्लियर हो जाता है। इवन अगर आप और आगे पढ़ते तो इक्वेटोरियल पर और स्पेसिफिकली इम्फेसाइज कर पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि सुबह जो होती हैं वो क्लियर होती हैं, बहुत चमकदार होती हैं, सी ब्रिजेस चलती रहती हैं, सन खूब अपने सिर के ऊपर पहुंच जाता है और हीट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। हीट जब ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन वगैरह का नहीं आएगा उतना, और डार्क क्लाउड बनते हैं, रोज बारिश होती है थंडर और लाइटनिंग के साथ। तो वही इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में ही तो हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पर कौन सा क्लाउड बनता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनता है। याद है ना क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्या होते हैं, सेरस क्लाउड क्या होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, सेरस क्लाउड क्या है, क्यूमुलस क्लाउड क्या है, निम्बस क्लाउड्स क्या है। आप बता दो मुझे कि ये जो दो तीन नाम मैंने लिए हैं इनमें से खतरनाक बारिश कराने के लिए कौन सा बादल रिस्पॉन्सिबल है, फटाफट से ये मुझे बता दो। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, आप इसको पढ़ लेना। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, मेडिटेरेनियन की जैसे हमने बात की, तो हमने क्या पढ़ा कि भाई डिस्टिंक्ट क्लाइमेट फीचर यहाँ का भी है, मतलब कि सवाना, मॉनसून, मेडिटेरेनियन, इन सब जगहों पर हमने देखा कि डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक फीचर्स हैं। लेकिन मेडिटेरेनियन में और विचित्र बात इसलिए हो जाती है क्योंकि गर्मियों में बारिश नहीं होती बल्कि ठंडियों में बारिश होती है। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे जो भी स्लोपी सर्फेसेस होते हैं वहाँ पर ग्रेप्स का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर वाइन मेकिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोकल विंड्स जैसे सिरोको, मिस्ट्रल, आपको बताना है। अच्छा बताओ, सिरोको कहाँ की ये लोकल विंड है और मिस्ट्रल कहाँ की लोकल विंड है, ये बता देना फटाफट से मुझे। मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द वाले कंट्रीज पर ही डेफिनेटली ये दोनों हैं, बस इतनी सी बात है। मतलब इतना याद होना कि मेडिटेरेनियन सी में बस इतनी सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में बात हो, डेफिनेटली इस पर भी क्वेश्चंस लगभग लगभग सभी लग जाएंगे। और विंटर के टाइम पर हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पर। सवाना की बात करें तो यहाँ पर ऐसे घास फूस के चलते बड़े दूर दूर में ऐसे पेड़ दिखते हैं, तो डिस्पर्स्ड है, डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन है, लगभग लगभग अपने ट्रॉपिकल रीजन जैसा ही है, मतलब कि अपने मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जैसा ही है। यहाँ पर एक्सट्रीम डायर्नल रेंज देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में खूब ज़्यादा, अब चूंकि घास वास देख रहे हो किस कलर का है, पानी के मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए जब पानी यहाँ पर इतना है नहीं तो बारिश ज़्यादा होगी नहीं, बादल साफ होंगे, बादल साफ होंगे तो इससे ठंड रात में थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जो डायर्नल टेम्परेचर है वो रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बारिश 100 से 150 सेंटीमीटर तक ही होती है यहाँ पर। और बस इतनी ही बातें थी। अब इसी के रिगार्डिंग जरा फटाफट से ये आंसर दे दो आप कि ट्रॉपिकल सवाना रीजन जो है इनमें से किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर आता है? रेनफॉल हमेशा होता है? कभी नहीं। रेनफॉल ठंडियों में होता है? नहीं, ये तो मेडिटेरेनियन का है। एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन है कि डेफिनेट ड्राई और वेट सीजन है? देखो ड्राई सीजन छोटा तो नहीं होता, अच्छा खासा होगा, सूखा पड़ा हुआ था वहां पर, आपने देखा अभी फोटो में। डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन डेफिनेटली होता है, अलग अलग वेट और ड्राई सीजन है, डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ मेहनत करने की कोशिश की आपने? नहीं, बस छोटी सी बात पे हमने चीजों को पकड़ लिया। अब यहां पर बताना है कि फिर से वही कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है, अब पकड़ना है कि कौन सा है। वार्म और ड्राई क्लाइमेट है। अच्छा ठीक है, वार्म और ड्राई क्लाइमेट का क्या मतलब है कि चलो वार्म भी होगा ड्राई भी होगा, फिर माइल्ड एंड वेट विंटर। जैसे ही वेट विंटर पड़ा तुरंत उछल कूद के कहां पर आ गए? मेडिटेरेनियन पर। कुछ पढ़ने की जरूरत थी? नहीं। ओक ट्री, सिंपल सा है, एवरग्रीन ओक ट्रीज होते हैं, हाँ भाई मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं, ओक ट्रीज होते हैं। और वेट विंटर से बाकी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा सीजनल रिवर्सल हो जाता है विंड का? अब इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इंडियन मॉनसून का ये बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है। ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल तो नहीं हो सकता, मेडिटेरेनियन तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि विंटर में वहां पर बारिश आती है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कहाँ होता है? मॉनसून में होता है, जब हम लोग देखते हैं ITCZ के ऊपर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में कि कभी कभी ऊपर होती है और फिर ये जब सदर्न डायरेक्शन में आती है तो ये नीचे, और इस तरीके से कभी हमारे पास हमारे शुरुआती दिनों में हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून आते हैं और बाद में हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून आते हैं, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग मानसून क्लाइमेट को सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित कर सकते हैं और करेक्ट लगा के आ सकते हैं। यहाँ पर मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस डिस्टिंक्ट वेदर कंडीशंस होते हैं यहाँ पर, समर, मानसून, ऑटम, स्प्रिंग, ऐसे करके, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन 2013 का ये है कि अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इक्विटोरियल फॉरेस्ट का। इक्विटोरियल फॉरेस्ट जैसे ही आए तुरंत दिमाग में अमेजन फॉरेस्ट का नाम याद आ जाना चाहिए। अमेजन फॉरेस्ट कहाँ पर है? अमेजन फॉरेस्ट है हमारे इक्वेटर पर।
यहां पर है अमेजन फॉरेस्ट और हमारा इक्वेटर लगभग ऐसे है। तो इक्वेटर, अब यहां अमेजन की बात करते हुए हम देखते हैं क्या यहां की कैनोपी बहुत ज्यादा है, मतलब कि पेड़ एकदम घने तरीके से फैले हुए हैं, क्राउन जैसे हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं। हाँ है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट भी हो गया। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, अब देखो क्या है कि जब इतने क्लोजली स्पेस्ड पेड़ पौधे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, वहां पर स्पेशीज भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर एपीफाइट्स, एपीफाइट्स के बेसिस पर हम लोग क्या बताएं, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसीलिए हमारा आंसर तो फिलहाल आ चुका है डी स्टेटमेंट। एपीफाइट्स का मतलब होता है, अगर आपको नहीं भी पता एपीफाइट्स तो भी आप आंसर लगा सकते थे, एपीफाइट्स के मतलब ये होता है ऐसे पेड़ पौधे जो कि सहारा लेके ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं। एपीफाइट्स ऐसे होते हैं ना कि किसी पेड़ से, मान लो पेड़ है खूब बढ़िया और इसके ऊपर खूब बढ़िया कैनोपी है, खूब बढ़िया बड़ा सा पेड़ है। अब क्या होगा, एक घास था, इसकी कैनोपी इतनी तगड़ी थी कि सन का रेज इसके तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसने क्या किया, इसके ऊपर लपेट लपेट के ऊपर उछलना स्टार्ट किया, ऊपर उछल के इसको सूरज मिल गया, इसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया अपना। तो एपीफाइट क्या कर रहा है, केवल सहारा ले रहा है, क्या न्यूट्रिशन इस पेड़ का ले रहा है, नहीं। तो ये म्यूचुअल रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन भी नहीं बोलेंगे। अच्छा आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन है, एपीफाइट वाला रिलेशन को क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये वाला पढ़ते हैं ना एनवायरमेंट में हम, तो आपको बताना है कि एपीफाइट्स में कौन सा रिलेशन यहां पर है। ओके, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर है। अमेजन में जो रेन फॉरेस्ट है उनका नाम है सिल्वास, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक 2011 का क्वेश्चन है लानिनिया से रिलेटेड। लानिनिया बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के फ्लड्स में अभी 2011 उस टाइम पर आया होगा, तो रिसेंटली लानिनिया भी न्यूज में था। अब आप बताओ कि लानिनिया एल नीनियो से कैसे डिफरेंट है। मैं लानिनिया और लानिनियो और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एल नीनियो और लानिनिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में लिखे जाते हैं इस तरीके से, यहां पर ना एक ऐसा वेव लिखते हैं और इसका जो प्रोनंसिएशन है वो नी होता है, तो ये नीनियो है और ये नीनिया है, ठीक है। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट इनका है कि लानिनिया जो है वो यूजुअली कोल्ड ओशनिक टेम्परेचर इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में क्रिएट करता है। इसको पढ़ें उससे पहले हमारे पास ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि लानिनिया और एल नीनियो आखिरकार होते क्या है। पढ़ते हैं एक बार, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ओहो मैप तो मैंने लिया नहीं इसके लिए, चलो कोई नहीं, मैं यहां पर फटाफट से बना देता हूं। देखो हमने पढ़ा है कि एक तरफ होगा हमारा पेरू वाला, मान लो इधर हमारा, सॉरी फिर से बना देता हूं, यहां पर हमने देखा कि हमारा ये होगा कुछ हमारा साउथ अमेरिका टाइप का, यहां पर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया और यहां पर हमारा इंडोनेशिया वगैरह होगा, ये सब हम जान रहे हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल सीजन्स जो होते हैं, नॉर्मल सीजन में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ये ट्रेड विंड इधर और इधर 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 आएगा और यहां पर क्रिएट होगा वार्म वाटर का सिलसिला। तो वार्म वाटर का सिलसिला मतलब यहां पर वार्म और यहां पर कोल्ड, अगर ऐसा रहता है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक। ये जब एक्सट्रीमिटीज में चला जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, तो हम लोग इस फिनोमिना को बोलते हैं लानिनिया, ठीक है, लानिनिया बोलते हैं जब यही कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच जाता है। दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट कि अगर यहां पर कोल्ड है और यहां पर वार्म है तो इसको हम लोग एल नीनियो बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि ये कौन सा ओशन हमने देखा, ये हम देख रहे हैं पैसिफिक ओशन को, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और पढ़ते हैं कि लानिनिया जो है वो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन को, अच्छा अब ये इंडियन ओशन की बात पहुंच गए हैं कि वहां पर अनयूजुअली कोल्ड ओशन करंट पहुंचा देते हैं। लानिनिया कंडीशन में अभी हमने क्या पढ़ा कि देखो भैया लानिनिया कंडीशन में यहां पर खूब ज्यादा वार्म हो जाएगा, तो इस वार्म के चलते इंडियन ओशन भी तो वार्म होगा ना। ये स्टेटमेंट सही बता रहा है कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन जो है ठंडा हो जाएगा, अनयूजुअली ठंडा हो जाएगा, नहीं, ये एल नीनियो कंडीशन में हो सकता है, इसीलिए काट दो इसको, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एल नीनियो हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया। बात तो सही है, साउथ वेस्ट मानसून का इफेक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, लेकिन ये बोल रहा है ला नीनिया का कोई इफेक्ट नहीं है मानसून क्लाइमेट पे, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। लानिनिया भी अपने आप में एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन लेके आता है, और जब भी लानिनिया आता है तो खूब बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है हमारे यहाँ, क्यों, क्योंकि क्या बोला मैंने, वार्म कंडीशन डेवलप होता है, खतरनाक वार्म कंडीशन, और उसके चलते जो डाइपोल है इंडियन ओशन में वो काफी स्ट्रांग होते हैं, उसमें काफी सपोर्ट मिलता है, इस तरीके से बहुत बारिश होती है। तो ये स्टेटमेंट लानिनिया कोई इफेक्ट नहीं है मानसून क्लाइमेट पर, ये तो एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट गलत है। बात समझ में आ गई ना। अभी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अभी और आएगा इससे रिलेटेड, परेशान हो तो उसमें मोडोकी हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो ये बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी से क्विकली रीग्रो नहीं कर पाते हैं।
जबकि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हैं वो ऐसा कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। अभी हमने पढ़ा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो भी होते हैं, जहां पर मान लो इवरग्रीन रेन फॉरेस्ट काइंड ऑफ चीजें हैं, वहां पर बारिश 12 महीने होती है। और हमने ये पढ़ा है कि जहां पर जितनी ज्यादा बारिश होगी वहां पर सॉइल उतना ज्यादा डिग्रेड होगा, मतलब कि वहां पर सॉइल जो है कटते कटते आप देखोगे कि जो टॉप सॉइल का लेयर है वो तो निकल ही जाएगा। इसके चलते जो न्यूट्रिशियस सॉइल है वो तो निकल गया। अब एक बार अगर सोचो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ जो होते हैं उनकी जो मतलब वहां के जो पेड़ होते हैं वो इवरग्रीन होते हैं, और इसके चलते उनकी जो जड़ें हैं वो काफी अंदर अंदर तक डीपली रूटेड रहती हैं, तो वो अंदर अंदर से तो पानी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एक बार काट दिया हमने और अगर हमने टॉप सॉइल में कुछ भी वापस से प्लांट करने की कोशिश की तो टॉप सॉइल वहां पर इरोडेड होते हैं। इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को वापस से रीग्रो कर लेना मुश्किल है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बात करें तो वहां पर तो हर बार का जमाना ही यही है कि वो अपने पत्तों को शेड करते हैं। इन सब के चलते जो भी बारिश होती है उस वो बहुत ज्यादा सॉइल को डिग्रेड नहीं, इरोड नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वहां पर चीजें रीग्रो अच्छे से कर जाती हैं। सॉइल की फर्टिलिटी वहां पर अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट सॉइल में अच्छे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। अब यहां पर देख लो, पहला ही स्टेटमेंट मिल गया ये तो, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। यही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही, बाकी स्टेटमेंट गलत है। आप एक बार पढ़ना, आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा था, और भी कॉजेज यहां पर लिख दिए मैंने, डेफिनेटली आप इनको पढ़ोगे मुझे पता है। और 2011 का एक क्वेश्चन है कि अफ्रीकन और यूरेशियन डिजर्ट बेल्ट का मेन रीजन क्या है? देखो, जितने भी यहां पर आप डिजर्ट एरिया देख रहे हो, अफ्रीकन और यूरेशियन, यहां पर सहारा डिजर्ट की बात हो रही है, और यूरेशिया में आप बोल सकते हो तुर्कमेनिस्तान, गोबी डिजर्ट, या फिर ऊपर ये ग्रेट बेसिन डिजर्ट, यहां पर पेटागोनियन डिजर्ट, ये सब डिजर्ट्स की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इनके पीछे क्या रीजन है? देखो, एक रीजन तो ये है कि ये जो कैनरी करंट, यहां पर वेंजुएला करंट, पेरुवियन करंट, कैलिफोर्निया करंट, यहां पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सब डेसिकेटिंग इफेक्ट देते हैं। डेसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि पानी सोख लेते हैं। पानी जब सोख लेते हैं ना ये ठंडे वाले करंट, तो यहां पर बारिश वारिश का कोई हिसाब किताब बनता नहीं है, जमीनें और सूख जाती हैं। यहां पर कॉन्टिनेंटैलिटी और साथ ही साथ यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम बन रहा है। यहां पर देखना, हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम बनेगा इसके वजह से। तो दो रीजंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही दोनों रीजन यहां पर इनफैक्ट लिखा भी हुआ है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स बनते हैं, और दूसरा, ओहो, वार्म ओशन करंट लिख दिया क्या इन्होंने? ये तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट सही होगा, यहां पर कोल्ड होना चाहिए था इसको सही होने के लिए, इसलिए दो स्टेटमेंट गलत है। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। 2011 का सिंपल सा सवाल हमने चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लिया। एल नीनो और एल नीनो मोदकी, ये हमारे न्यूज में थे, अब बताओ क्या होते हैं? देखो, बहुत ही सिंपल सा है, एल नीनो ला नीनिया हमने पढ़ लिया, उसमें मोडोकी अगर वर्ड लग जाए तो समझो कि बातें बीच में शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे कि मान लो एल नीनो कंडीशन में हम देख रहे थे, ला नीनिया कंडीशन में हम देख रहे थे कि यहाँ पर वार्म वाला जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। अब ला नीनिया जब भी होगा तो यहाँ पर वार्म खूब ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, बादल बादल खूब बढ़िया से आएंगे, गरजते हुए बारिश आएंगे, साइक्लोनिक कंडीशन, हरिकेन्स वगैरह सब डेवलप हो जाएंगे यहाँ पर। कब? ला नीनिया कंडीशन में। ठीक, अब सोचो एल नीनो कंडीशन में यहां पर कभी भी हरिकेन वगैरह कुछ भी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर एल नीनो मोडकी की हम बात करें, मोडकी में क्या होता है ना कि ये बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये बंदा है, ये मान लो भगवान है, ठीक है, ये फूंक रहे हैं इधर साइड में, तो ये टेम्परेचर चेंज हो गया एल नीनो में, मतलब कि चेंज हो गया, वार्म इधर आ गया, कोल्ड उधर चला गया। इधर से ना दो भगवान आपस में लड़ाई करने लगते हैं एल नीनो मोडकी में, ये इधर से फूंकते हैं, ये इधर से फूंकते हैं, और बीच में गरम गरम सारे पानी आ जाते हैं, और यहां पर अपराइजिंग होती है, और दोनों तरफ नीचे सबडक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों तरफ यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है और बीच में लो प्रेशर बेल्ट बनता है। इसको बोलते हैं एल नीनो मोदकी। यहां पर बीच में खूब बारिश होती है, लेकिन आप समझो कि ये जो बीच में बारिश हो रही है इसका कुछ असर तो इधर उधर पड़ेगा, हरिकेन्स थोड़े बहुत तो यहां पर आ ही सकते हैं, है कि नहीं? दूसरी बात ये भी देखो, एल नीनो मोदकी में क्या हो रहा है कि बीच में ठंडा, भगवान एक ही है लेकिन इस तरीके से फूंक रहे हैं कि दोनों तरफ गर्म गर्म चीजें इधर उधर भेज दे रहे हैं। तो वही चीज है, ला नीनो को बस इस तरीके से दिखा दिया, ला नीनो मोदकी में, ठीक है। तो ये अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जरा टर्म्स को पढ़ो, मतलब अगर हमें बस ऊपर ऊपर से पता होता, हमने बस एक फिगर को देखा है बस अभी तक, इसमें लिखा है कि नॉर्मल एल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, और एल नीनो मोदकी वो ईस्टर्न पैसिफिक, उल्टा बोल दिया ना, ये सेंट्रल में और वो ईस्टर्न में है, काट दो। पहला स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन गलत है, बोथ भी गलत हो गया, दो दो बचते हैं। नॉर्मल एल नीनो जो होते हैं वो हरिकेन्स को कम कर देते हैं, पढ़ लें जरा, ऐसा है क्या?
अभी हमने पढ़ा क्या, नॉर्मल एल नीनो हरिकेन्स को कम कर देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं भाई, सही बोल रहे, तो बहुत सच्चा इंसान है ये। दूसरा क्या बोल रहा है, एल नीनो मोदकी रिजल्ट इन ए ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स। तो यहां पर देखा हमने, गर्म अगर कर देगा तो हरिकेन्स भी तो आएंगे ना ज्यादा, ठीक है, बढ़िया बात बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 2010 का ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। अब इससे सस्ता क्वेश्चन तो क्या ही बनाएगा, 2010 में यूपीएससी का, किसकी बात कर रहे हैं पता है ना आपको भैया, ये बात कर रहे हैं अल्बिडो की। उस टाइम पर अल्बिडो जैसे लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, आजकल तो कॉमन सी बातें हैं, सब लोग सुनते हैं अल्बिडो। अल्बिडो क्या है, हाँ पता है मुझे, पता है आपको पता है कि भाई, हाँ अल्बिडो क्या होता है कि भाई सन जो इंसुलेशन आता है वो कितना अमाउंट में रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, वो आप समझो चमकीला जो भी चीज होगा, मिरर का अल्बिडो ऐसा बोला जाता है कि आइडियल है, और 100% अल्बिडो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100% होते हैं। यहां पर आप देखो शीशे जैसा कौन है, फ्रेश स्नो, सबसे बढ़िया यही है ना, सैंड डिजर्ट होगा, सैंड डिजर्ट भी ठीक है, प्रेरी क्रॉप लैंड नहीं, प्रेरी लैंड पैडी क्रॉप नहीं, प्रेरी लैंड नहीं, मतलब कि लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो इज द डेफिनेट करेक्ट आंसर। अब इससे सस्ता क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बना सकता है, नहीं बन पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। अल्बिडो देखो क्या होता है, हम लोग अगर बात करते हैं सॉइल का, तो सॉइल में लगभग लगभग 40% रिफ्लेक्ट बैक होता है, स्नो की बात करते हैं ना तो स्नो में लगभग लगभग 90% अल्बिडो मिलता है और 90% रिफ्लेक्ट होता है, और जो ओशन के सरफेस होते हैं वहां से 10% रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो आप ये मत समझ लेना कि पानी है तो भाई क्या बात है, पानी तो शीशे जैसा, पानी में हम अपनी अक्स देख सकते हैं, लेकिन ये ओशनिक सरफेस वाले में नहीं, ओशनिक अल्बिडो जो होती है वो 10% के लगभग ही होती है, ठीक है, इस बात को समझ लोगे। कल का होमवर्क देखो कुछ इस प्रकार से रहा है, इन सबको प्रिपेयर करके जरूर से हमें वापस से मिलना, और आपके पॉलिटी वाले सर आएंगे और इसको वापस से कवर करने की कोशिश करेंगे नए नए क्वेश्चन और नए नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप आराम से इसको बैठो, पढ़ते रहो, बस इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।